हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक फ्यूल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। एक ज्वलनशील पदार्थ है अगर, तो उसका फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है, पोर पॉइंट का मतलब क्या है, फायर पॉइंट का मतलब क्या है, यह आप अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, सबसे पहले हम पोर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। किसी फ्यूल का पोर पॉइंट आके क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल ने फ्यूल को क्लासिफाई किया है विस्कोसिटी के हिसाब से। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 फ्यूल, नंबर 3 फ्यूल, ऐसे करके नंबर 6 तक फ्यूल है विस्कोसिटी के हिसाब से क्लासिफाइड है। यानी कि जो टॉप का फ्यूल है, यानी कि फ्यूल नंबर 1 जो है उसकी विस्कोसिटी सबसे कम है, और जो फ्यूल नंबर 6 है उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। और फ्यूल नंबर 6 के अंदर आ जाता है HFO। HFO होता हैवी फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल भी इसे कहते हैं, हैवी ऑयल भी इसे कहते हैं। पावर प्लांट में, बॉयलर में कोल को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई लोग, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका पोर पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ। जब HFO मैं आपको बता दूँ, पावर प्लांट में बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रखते हैं, और जब ठंड का मौसम आता है, जब एकदम इफरात ठंडी पड़ती है, तब HFO जो पाइप में रहता है वह जम जाता है, वह ठोस हो जाता है, जिससे वह बह नहीं पाता। तो उसको बहाने के लिए हम, ताकि वो फ्लो होता रहे, उसके लिए हम एक मैनेजमेंट करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं। हम उस जो HFO की पाइप है उसके आसपास स्टीम की पाइप, एक ऐसी पाइप बिछा देते हैं जिसके अंदर स्टीम बहती रहती है, और वह जो HFO पाइप के अंदर है वह इस स्टीम से गर्मी लेता रहता है। तो यह ठंडी में करना जरूरी रहता है, क्योंकि HFO ठंड के समय बह नहीं पाता। और यह होता है क्योंकि इसका पोर पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है HFO का। यानी कि पोर पॉइंट हमको बताता है ये वह टेम्परेचर है जिससे अगर टेम्परेचर फ्यूल का कम हो जाए तो वो बह ही नहीं पाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो पोर पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर किसी फ्यूल का टेम्परेचर इस पोर पॉइंट टेम्परेचर से कम हो जाए तो वह बह नहीं सकता। इसलिए HFO के आसपास हम स्टीम की लाइन बिछाते हैं, और ठंड के मौसम में HFO स्टीम से हीट एक्सचेंज करता है और बहता रहता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर HFO का 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो वह अच्छे से बह नहीं पाता। पोर पॉइंट इसलिए हमें काम आता है। पोर पॉइंट की मदद से हमें पता चलता है कि कौन से टेम्परेचर में कौन सा फ्यूल आराम से बह सकता है। अब हम फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी फ्यूल है, कोई भी अगर लिक्विड है, तो उस लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को एस्केप कर देते हैं, वेपर बनता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर उस लिक्विड का, और यह वेपर एयर के साथ मिलके एक कम्बसिबल मिक्सचर बनाता है, अगर यह लिक्विड एक फ्यूल है तो। लेकिन वेपर प्रेशर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और एयर के साथ मिलके कम्बसिबल एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करने लगेंगे। भाई लोग, वेपर प्रेशर के ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो भी देख लीजिएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाता है, और एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे फ्यूल और एयर का बहुत प्रॉपर, एक बहुत अच्छा मिक्सचर बन जाता है, और छोटा सा अगर हम इग्निशन देते हैं तो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसी भी फ्यूल का वह टेम्परेचर होता है जब हम अगर फ्यूल में इग्निशन दें तो वह बर्न हो जाता है, यानी कि प्रॉपर फ्यूल एयर का मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा फ्लैश पॉइंट तक, यानी कि प्रॉपर फ्यूल का वेपर बन जाएगा और वो एयर के साथ प्रॉपर तरीके से इतना अच्छे से मिक्स हो जाएगा कि एक चिंगारी मारने पर आग भड़क सके। अगर फ्लैश पॉइंट के नीचे है अगर टेम्परेचर, तब आप इग्नाइट करेंगे तो वह फ्यूल जलेगा नहीं। तो फ्लैश पॉइंट हमें बता देता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के अबव हम अगर चिंगारी मारेंगे तो आग भड़क जाएगी इस फ्यूल में। अब हम आखिरी में फायर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फायर पॉइंट वह पॉइंट होता है
वह टेम्परेचर होता है जहां पे आप इग्निशन बंद कर देंगे, यानी कि आप जो चिंगारी दे रहे हैं वह चिंगारी देना बंद भी कर देंगे, तब भी फायर ऑटोमेटिक जले रहेगी। फायर पॉइंट वह पॉइंट है, वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद फ्यूल और एयर का मिक्सचर ऑटोमेटिक जलते रहेगा, आपको और इग्निशन करने की और चिंगारी देने की जरूरत नहीं है। फ्लैश पॉइंट से फायर पॉइंट तक अगर आपको आग लगातार जलाए रखनी है तो आपको इग्निशन लगातार करते स्पार्क देते रहना पड़ेगा, चिंगारी लगातार देते रहनी पड़ेगी, तब आग जले रहेगी। लेकिन फायर पॉइंट एक बार पहुंच गया तो फायर पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक आग जले रहेगी, अब आपको उसको जलाए रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यह होता है भाई लोग फायर पॉइंट। तो भाई लोग इस वीडियो में हम लोगों ने पोर पॉइंट, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या होता है ये तीनों, और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।